नाम है आपका? अस्मिता। अस्मिता, अभी आप मतदान करने के लिए आई हैं, सुबह ही सुबह अलग सुबह ही आप आ गई, इस तरीके से आपको मतदान किन मुद्दों को लेकर के किया है पूरा बताइए। हाँ, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अब मैं उठ के ही सीधे वोट करने आई जी। मैं चाहती हूँ इस बार, लास्ट टाइम भी आई थी मैं जी, बट इस बार मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कुछ अलग मुख्यमंत्री आए जी, कि इस बार हमने एकदम देख लिया योगी जी का जी, ठीक था अच्छा था, आई वोंट क्रिटिसाइज जी, लेकिन कुछ चीजें थी जहाँ पे वो लैकिंग थे जी, तो अभी मैं चाहती हूँ कि होपफुली वो चेंज होगा। उन्होंने जो मुद्दे बोले थे कानून व्यवस्था चेंज करेंगे, वो तो उसमें मुझे कोई ज्यादा बदलाव नहीं। कानून व्यवस्था आपको मतलब, क्योंकि आप देखिए ना, इतने सारे रेप, इतने सारे जो अखिलेश सरकार को ब्लेम करते थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सरकार में उनसे उससे भी ज्यादा वो चीजें हो रही हैं, तो वो तो पॉइंट चला गया जी। उसमें भी जी। और विकास, आप छात्र भी हैं, छात्रों के लिए क्या चाहती हैं? छात्रों के लिए मुझे तो कोई स्पेशल फायदा हुआ नहीं जी। और आगे आने वाले मुख्यमंत्री से क्या चाहती हैं? आगे आने वाले मुख्यमंत्री से, अब तो मैं छात्र नहीं रही जी, स्टूडेंट नहीं रही, मैं कॉलेज फिनिश कर चुकी हूँ जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसी अच्छी योजनाएं लाएं मुख्यमंत्री, चाहे योगी जी आए, चाहे अखिलेश जी आए, या फिर कोई और मुख्यमंत्री आए, कोई अच्छी स्कीम्स लाएं, सबको, सारे जो वर्ग हैं सोसाइटी के उनको साथ में रखें, महिलाएँ, पुरुष, छात्र, स्टूडेंट्स, बच्चे, सबको ध्यान में रखें, उन सबका एक साथ विकास करें। थैंक यू। आप एक महिला हैं, अभी आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है और कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, कैसे अपने क्षेत्र का विधायक चाहती हैं आप? विकास चाहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हो उनको छोड़कर पब्लिक के बारे में सोचे जी, एवं महिलाओं को पहले प्राथमिकता दे, महिलाओं की सुरक्षा जी। हाँ। और क्या क्या मुद्दे हैं? और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़े जी, और स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र को लेकर के चले, जैसे अभी तक विकास हुआ है ऐसा ही आगे बढ़ता जाए। तो बटन तब दबाया है, पहले आपने ये विचार किया है कि? नहीं, हमने सोच समझ कर दिया। सोच समझ कर कुछ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश जी, अभी आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया और कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, कैसा अपने क्षेत्र का विधायक चाहते हैं? सभी के मुख्यमंत्री को पसंद करती है, विकास के नाम पर वोट देंगे जी, लेके आए जी, इतना ही कहना चाहूँगा, जो विकास करेगा उसके नाम। और क्या क्या मुद्दे हैं? इतना ही सर, मेन मुद्दा विकास। क्षेत्रीय विधायक कैसे चाहते हैं आप? क्षेत्रीय विधायक स्वच्छ हो, निष्पक्ष काम करे। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता जी, अभी मतदान करके आए हैं, किन मुद्दों पर मतदान किया, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, कैसा अपने क्षेत्र का विधायक चाहते हैं आप? हम क्षेत्र का जो ईमानदार हो, निर्भीक हो और सब विकास करे जी, और हमारे शहर की समस्याओं को सुने जी, किसी साथ अन्याय न हो, अत्याचार न हो, ऐसे विधायक हम चाहते हैं जी। वैसे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है, विकास बहुत किया है, और ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, इसलिए हमें धर्म बसाते हैं। तो सब सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस? लेकिन जनपद में बूथों पर व्यवस्थापन है, सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, जोनल पुलिस अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त सुपर जोनल पुलिस अधिकारी हैं, और QRT टीमें हमारी बनी हुई हैं। प्रत्येक 5 मिनट पे पुलिस की कोई ना कोई टीम यहाँ पे किसी न किसी मतदान केंद्र पे व्यवस्थित होगी जी। और दूसरा, कुल 677 मोबाइल पार्टियाँ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे जी, पूरे जनपद में भ्रमणशील हैं, तो प्रत्येक मतदान केंद्र पे प्रत्येक 5 मिनट पे कोई ना कोई मोबाइल पार्टी अवश्य भ्रमणशील रहेगी और पूर्ण रूप से शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सर, जिले में कई अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं, तो वहाँ किस तरीके से जो है सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया, पुलिस को वो सारी लिस्टें प्रदान की जा चुकी हैं जो जिसपे अति संवेदनशील प्रकार के केंद्र बताए गए हैं जी। और CAPF को भी वो सूचियाँ उपलब्ध कराई गई हैं और हम लोग पूरी सतर्कता रखे हुए हैं जी, और पूरे पूर्ण रूप से सुरक्षित और शांत वातावरण में यह चुनाव निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न कराए जाए। सब मतदान शुरू हो गया है, किस तरीके से चल रहा है बताइए? मतदान अभी 7 बजे बस प्रारंभ होने वाला है, सभी व्यवस्थाएं बूथों पर कर ली गई हैं, जहाँ जहाँ कुछ जगह मशीनें जहाँ खराब थी उनको रिप्लेस करा दी गई हैं जी। बाकी 7 बजे से सभी जगह मतदान प्रारंभ हो जाएगा जी। 100 से अधिक मॉडल बूथ भी बनाए गए इस बार जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी अच्छा मॉडल बूथ यहाँ पे बना हुआ है। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध होगा कि सभी लोग घर से बाहर निकले और मतदान अवश्य करें।
सर इस बूथ में एक मशीन खराब बताई गई थी, क्या वो सही होगी? एक यहाँ पे बैलेट यूनिट खराब है तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया, उसको अभी तुरंत रिप्लेस कराया जाएगा।